दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्य हरियाणा में गुरुवार तड़के मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली में तड़के 4:30 बजे मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र दिल्ली हरियाणा सीमा के पास 10 किलोमीटर गहराई में था। इस दौरान शहर में कहीं भी जानमाल के किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। इससे पहले पंजाब के जालंधर जिले में कल 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र 13 किलोमीटर गहराई में था। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी भूकंप की खबर है। इससे पहले न्यूजीलैंड में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई। इसके बाद एक सुनामी की चेतावनी जारी की गई और देश के कई हिस्सों में बिजली और फोन सेवाएं बंद हो गईं। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप का केंद्र हरियाणा का बावल था। भूकंप से अभी तक किसी बड़ी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है।